हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का रिजल्ट है, स्कोर कार्ड आप सभी कैसे डाउनलोड कीजिएगा। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके आपको रिजल्ट चेक करने की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर देना है। हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया, फिर सिंपली सर्च बार पर आना है और वेबसाइट को टाइप करना है, SNJEET संजीत, फिर स्पेस देना और टाइप करना है DNA। कुछ इस प्रकार से टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। तो जैसे इतना टाइप करके सर्च करके स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है संजीत DNA का ऑफिशियली वेबसाइट। तो सिंपली इस पर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर देना है। तो फाइनली देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आना है और कुछ इस प्रकार से टाइप करना है UP SSC PET। सिंपली इतना टाइप करने के बाद ना आपको सर्च कर देना है। जैसे टाइप करके सर्च करिएगा तो फाइनली फर्स्ट अपडेट देखने को मिल जा रहा है, UP SSC PET रिजल्ट 2023 की अपडेट। तो आपको इस अपडेट पर क्लिक करके इस अपडेट को ओपन कर देना है। अपडेट कुछ इस प्रकार से ओपन होने के बाद स्क्रीन को स्क्रॉल करना है और रिजल्ट को चेक करने के लिए आना है इम्पोर्टेंट लिंक के सेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद शो कर रहा है रिजल्ट 2023 लिंक। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए इसके सामने क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, केवल क्लिक हियर पे क्लिक करना होगा। देन जैसे क्लिक हियर पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर नया साइड ओपन हो जाएगा रिजल्ट को चेक करने के लिए। रिजल्ट को चेक करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जिसमें डे मंथ एंड ईयर फिल करनी होगी, जेंडर सेलेक्ट कर लेनी होगी और इस कैप्चर कोड को इसमें फिल करके सी रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, तो आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर शो करेगा। कुछ इस प्रकार से आप सभी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं।